Good morning, everyone. Today I'm here with the chapter number 2 from Flamingo book Lost Spring, the stories of stolen childhood. And this chapter is written by Anis Jung. Okay, first of all, let's come to the introduction so that you can understand the chapter at the starting. The lesson is an excerpt from Anis Jung's book entitled Lost Spring Stories of Stolen Childhood. She analyzes the grinding poverty and traditions which torment the lives of innocent children. B. Sahib of Simapuri or Mukesh of Firozabad. Every child worker leads a life of misery and want. The ragpickers of Simapuri near Delhi and the children engaged in the bangle-making industry of Firozabad share the same fate. They share the same poverty, dirt and exploitation. Means, is chapter ki jo heading hai, proper suitable heading hai, stories of stolen childhood. Kyunki is chapter mein jo hai, Anis Jung ne yahan do parts is chapter ke mention kiye hai. First part jo hai, usme story hai ek रैक पिकर की, एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम होता है साहेब और वो होता है सीमापुरी से. और सीमापुरी में जो काम होता है वो गरीबों का काम जो है, मींस जो स्लम एरिया के लोग हैं वो मैक्सिमम वो रैक पिकिंग का काम करते हैं फॉर देयर सर्वाइविंग. और नेक्स्ट स्टोरी है फिरोजाबाद की, जिसमें स्टोरी है मुकेश की. मीन्स दोनों ही स्टोरीज जो है वो एक दूसरे से कोरिलेट करती है. उन दोनों स्टोरीज में यहाँ पर बच्चों की लाइफ की जो माइजरी है और वांट है, उनकी डिज़ायर जो है वो यहाँ पर मेंशन की गई है. और रैक पिकर्स जो है सीमापुरी के दिल्ली के पास का ही सीन है. और जहाँ पर बच्चे जो है वो एंगेज्ड होते हैं रैक पिकिंग में, ऐसे ही दूसरी स्टोरी जो है वो है फिरोजाबाद की, जिसमें कि बच्चे जो है अपनी फैमिली के साथ बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में सपोर्ट करते हैं उनकी सर्वाइविंग में. तो यहाँ पर जो है दोनों स्टोरीज में पुअर्टी, डर्ट और एक्सप्लॉयटेशन मेंशन किया गया है. वो चाहे या ना चाहे उनको करना पड़ता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. चैप्टर नंबर 2, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, रिटन बाय अनीस जंग. ओके, some expressions are given here before starting the chapter. Looking for means search. Perpetual state of poverty means continuous state of poverty. Slog their daylight hours means they work hard during the daytime. Dark settlement of huts, roof over his head, their home. Impose the baggage on the child. Give burden to the child to support in surviving. Okay. So here let's start the first part of the story. Sometimes I find a rupee in the garbage. This is the tagline of the chapter. Ye chapter jo hai, iske chapter ki first story jo hai wo hai Sahib Alim ki. To Sahib jo hai, उसकी जो स्टोरी ये है, वहाँ पर कन्वर्सेशन होता है अनीस जंग और साहिब के बीच. तो यहाँ साहिब रिप्लाई करता है अनीस जंग को कि कभी कभी मुझे गार्बेज में एक रुपए मिल जाता है. मींस कि उसमें गार्बेज में उन्हें कुछ चीज़ें ऐसी मिलती है, कभी कभी पैसे मिल जाते हैं, कभी कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाती है जो उनकी लाइफ में उन्हें सपोर्ट करती है, उनकी कुछ अर्निंग हो जाती है जिसकी वजह से उन्हें एक टाइम का खाना मिल पाता है. तो यहाँ पर साहिब आलम से अनीस जंग ने पूछा, व्हाई डू यू डू दिस, कि तुम ये काम करते क्यों हो. होम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माय नेबरहुड. यहाँ आए हैं अनीस जंग. अनीस जंग ने साहिब से पूछा, उस साहिब से पूछा जो कि हर सुबह गोल्ड स्क्राउंज करता है. स्क्राउंज करना मीन्स सर्च करना. सर्च करता है उनके पड़ोस में, उनके घर के आसपास गार्बेज में वो कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है जो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, सपोर्टिंग हो सकता है उनकी सर्वाइविंग के लिए. तो वो उस गार्बेज में वो कुछ ना कुछ ढूंढता है. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो. साहिब ने अपना घर काफ़ी समय पहले छोड़ दिया था.
सेट एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, और आकर ढाका के बीच जो ग्रीन फील्ड है वहां आकर रहने लगे। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, उसकी मेमोरी जो है वो बहुत दूर की मेमोरी नहीं थी, अभी भी कुछ मीन्स रिमेम्बर था उसको। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स एंड स्वैप्ड दैट स्वैप्ड अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ ने उसे बताया था कि बहुत तेज स्टॉर्म आने की वजह से उनके फील्ड्स और होम सब तबाह हो गए थे। स्वैप्ड अवे, स्वैप्ड अवे मीन्स अपरूटेड, की मीन्स स्टॉर्म जो है उनके फील्ड्स और होम सब कुछ उखाड़ कर ले गया था। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसीलिए वो वहां से छोड़कर, लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, वहां से छोड़कर वो बिग सिटी में आ गए गोल्ड ढूंढने के लिए। वेयर ही नाउ लिव्स, जहां आज वो रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे, और फिर अनीस जंगले जब उसे ये क्वेश्चन पुटअप किया कि तुम ये काम क्यों करते हो, तो उसने मटर करते हुए, मटर मीन्स ग्रम्बल्स मीन्स धीरे से कहा कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ और करने को है ही नहीं। आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, गो टू स्कूल, और यहाँ पर अनीस जंग ने उससे कहा तो तुम स्कूल जाओ। आई से ग्लिबली, ग्लिबली मीन्स होता है इजीली, विदाउट केयरिंग, उसने बिना केयर के उसको ऐसे बोल दिया, ये फील करते हुए कि उसकी जो वो साउंड है वो कैसी उसके लिए हॉलो लग रही थी, हॉलो मीन्स एम्प्टी। इमीडिएटली उसके लिए ये साउंड जो थी उसकी साहिब की, उसे थोड़ी सी ऐसी लगी, और उसी के लिए उसने ये हॉलो एडवाइस उसको दे दी। उसे नहीं पता था कि उसके लिए ये एडवाइस कैसी है। तो साहिब ने रिप्लाई किया, देर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, वेन दे बिल्ड वन आई विल गो, कि मेरे पड़ोस में तो कोई स्कूल है ही नहीं, जब बनेगा तो चला जाऊंगा। तो अनीस जंग ने पूछा, हाफ जोकिंग, थोड़ा सा मजाक करते हुए, हाफ जोकिंग होता है, नॉट सीरियसली, लाइट हार्टेडली उसने उससे पूछा, देयर इज इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, अगर मैं स्कूल स्टार्ट करती हूँ तो क्या तुम आओगे। ही सेज स्माइलिंग ब्रोडली, यस, तो उसके फेस पे एक ब्रोड स्माइल थी और उसने कहा हाँ मैं जरूर आऊंगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिन के बाद मैंने उसे दौड़ कर मेरे पास आते हुए देखा और उसने मुझसे आकर पूछा, इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से एम्बैरस्ड एट हैविंग मेड अ प्रोमिस दैट वॉज नॉट मीट, और मैं थोड़ी कन्फ्यूज हो गई और मैंने उससे कहा कि स्कूल को बनने में बहुत टाइम लगता है, और वो एम्बैरस क्यों हुई, क्योंकि उसने उससे वो प्रोमिस कर दिया था जिसका कोई मीनिंग ही नहीं था। बट प्रोमिस लाइक माइंड अराउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ इज ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन मेरे जैसे प्रोमिस जो हैं उसके उस ब्लीक वर्ल्ड में किसी कॉर्नर में कहीं ना कहीं तो बहुत इनफ होते हैं, मतलब उनके लिए ये एक सपना भी, एक ऐसा प्रॉमिस भी ना खुशी ला देता है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कुछ महीने उसको जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा, साहिब आलम, ही अनाउंसेस, उसने अनाउंस किया, साहिब आलम, मेरा नाम साहिब आलम है। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, वो नहीं जानता कि उस नाम का मतलब क्या है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसे उसके नेम का मतलब पता होता तो क्या होता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे अपने इस नाम के मीनिंग पर विश्वास ही नहीं होता। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, उसका क्या मीनिंग रखता है, उस बात से अनअवेयर होकर ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, क्योंकि उसे अपने नाम का मीनिंग पता नहीं था और ना पता होते हुए वो अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता है। रोम मीन्स होता है वॉन्डर्स, इधर उधर घूमना। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, वो नंगे पैर बच्चे जिनके पैरों में ना चप्पल थी ना शूज थे, वो बच्चे जो सुबह मॉर्निंग बर्ड्स की तरह अपीयर होते हैं और नून में डिसअपीयर हो जाते हैं, उनके साथ ही वो घूमता था। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकोगनाइज ईच ऑफ देम, और एक महीने से ऊपर का टाइम हो गया और उस टाइम मैं उनमें हर एक बच्चे को बहुत ही अच्छे से पहचान गई थी।
Why aren't you wearing chappals? I asked one. मैंने उनमें से एक बच्चे से पूछा कि तू चप्पल क्यों नहीं पहनते? My mother did not. He answered simply. और उसने सिंपली उसको रिप्लाई किया कि क्योंकि मेरी मदर शेल्फ से स्लीपर उतार कर देती ही नहीं है, चप्पल उतार कर देती ही नहीं है. ऐसा नहीं था कि उनके पास चप्पल थी, उनके पास चप्पल नहीं थी, और जो चप्पलें थी वो अलग अलग मैच मिस मैच थी. इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ एट्स अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डोंट मैच. और उन्हीं में से एक बच्चे ने बोला जिसने कि शूज पहने हुए थे, दोनों अलग अलग शूज थे जो मैच भी नहीं कर रहे थे, उसने क्या कहा, इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ अगर वो उतार कर भी दे देती तो उन्हें फेंक देती. ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड दिस लाइन. तो उस बच्चे ने क्या कहा कि अगर मेरी मदर उतार कर भी देती ना शेल्फ से सब चप्पल्स को तो वो उसे फेंक देता क्योंकि मिसमैच थी. When I comment on it, जब मैंने उस बात पर कमेंट किया, he shuffles his feet and says nothing. तो उसने अपने पैरों को पीछे खिसका लिया और कुछ नहीं कहा. Shuffles means keep shifting, पैरों को बदल लेना. और उसने कुछ नहीं कहा. I want shoes, says a third boy. और तीसरे लड़के ने कहा कि मुझे शूज चाहिए. Who has never owned a pair of all his life, जिसने अपनी पूरी लाइफ में एक भी पेयर शूज नहीं पहना था, उसे कभी मिले ही नहीं थे, उसके कभी थे ही नहीं उसके पास में शूज. ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट. पूरी कंट्री जो थी उसमें ट्रैवल करते हुए मैंने क्या देखा था कि जो बच्चे वहां घूमते थे गलियों में, रैक पिकर्स थे, वो नंगे पैर घूमते थे इन सिटीज ऑन विलेज रोड. सिटी में विलेज रोड्स पर नंगे पैर घूमा करते थे. इट्स नॉट लैक ऑफ मनी, ये ऐसा मनी की कमी की वजह से नहीं था, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट, लेकिन ये उनका ट्रेडिशन था नंगे पैर रहना. इज वन एक्सप्लेनेशन, यही एक एक्सप्लेनेशन थी उसकी. आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पुअर्टी. सिर्फ और मुझे इस बात पर वंडर, मैं इस बात पर मीन्स शॉक हो जाती हूँ, इस बात को सरप्राइज हो जाती हूँ इस बात को सुनकर कि अगर सिर्फ यही एक एक्सक्यूज है इस परपेचुअल स्टेट ऑफ पुअर्टी को एक्सप्लेन करने का, क्या यही सिर्फ एक एक्सक्यूज है? एक्सक्यूज होता है बहाना, परपेचुअल होता है कंटिन्यू, नेवर एंडिंग. ओके, मीन्स उनकी उस स्टेट को वो डिफाइन नहीं कर पा रही थी. I remember a story a man from Udipi once told me. मुझे एक स्टोरी याद है जो कि मुझे एक पर्सन ने सुनाई थी जो उदीपी से था. उसने मुझे कहा था, as a young boy he would go to school past an old temple. ओल्ड टेम्पल के पास में ही एक स्कूल था. मैं जब छोटा था तो वहाँ जाया करता था. Where his father was a priest, जहाँ उसके पिताजी एक पुजारी थे. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. जहाँ वो बच्चा रुक जाता था कुछ टाइम के लिए मंदिर में और प्रे किया करता था एक शूज का एक पेयर उसको मिल जाए. 30 years later I visited his town. 30 साल के बाद मैंने उसका वही टाउन विजिट किया. अनीस जंग ने वही टाउन विजिट किया which was now drowned in the air of desolation. जहाँ पर डेजोलेशन होता है र्यून, बर्बाद हो जाना. तो जहां उसने जाकर जब 30 इयर्स के बाद जाकर वहां विजिट किया उस टाउन को, उस टेम्पल को, जो कि अब विच वॉज नाउ ड्रोन्ड इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन, जो कि बिल्कुल बदल चुका था, बिल्कुल बर्बाद हो चुका था. अ यंग बॉय, वहां उसने क्या देखा, एक छोटा सा बच्चा और होता है उसकी स्टोरी में आगे आप कंटिन्यू देखेंगे. वेयर लिव द न्यू प्रिस्ट, जहाँ एक नया पुजारी रहता था, पुराना जो था नहीं पता कहाँ गया. वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, रेड और व्हाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स थी. अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, और एक छोटा सा यंग बॉय था वहाँ पर, उसने ग्रे यूनिफॉर्म पहनी हुई थी. वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, सॉक्स और शूज भी पहने हुए थे. अराइव्ड पेंटिंग, हाफते हुए वो वहाँ पहुँचता है. एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और फोल्डिंग बेड पर अपना स्कूल बैग. लुकिंग एट द बॉय, उस बच्चे को देखकर आई रिमेम्बर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस.
और मुझे उसी बच्चे की याद आती है जिसने की गॉडेस से प्रे की थी व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, और जो उसे अब मिल गए हैं. लेट मी नेवर लूज दैम, हमें उन्हें कभी भी लूज नहीं करना चाहिए, होने देना चाहिए. द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, गॉडेस ने उसकी प्रेयर को एक्सेप्ट कर लिया. यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट नाउ वर शूज, और यंग बॉयज उस प्रीस्ट के बेटे की तरह अब शूज पहनते थे. बट मैनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन मेरे नेबरहुड में जो रैक पिकर्स हैं उन बच्चों की तरह जो बच्चे हैं वो अभी भी शूलेस हैं. माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैक पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, जब मेरी पहचान हुई उन बेयरफुट रैक पिकर्स से, मेरा इंट्रोडक्शन जब हुआ तो मैं सीमापुरी गई. अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ डेली, जो प्लेस सीमापुरी है वो डेली के पेरीफेरी मीन्स आउटस्कर्ट्स एरिया है, बाहर की साइड, उसकी बाउंड्री जो है वहाँ पर वो एरिया पड़ता है, और येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, और दिल्ली से कुछ मील दूरी है. मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकली मीन्स सिम्बॉलिकली, अगर आप सिंबल यूज करें तो कुछ मील की दूरी पर है. दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, और जो लोग यहाँ रहते थे वो स्क्वेटर्स थे. स्क्वेटर्स मीन्स दोज हु सेटल डाउन इलीगली, जो जमीन पर कब्जा कर इलीगली रहते हैं बिना किसी से परमिशन लिए, उन्हें स्क्वेटर्स कहते हैं. और ये लोग भी स्क्वेटर्स ही थे जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे. साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब की फैमिली भी उनमें से एक थी. सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस मीन्स वेस्ट लैंड जो किसी काम की नहीं है. सीमापुरी जो थी वो तब एक बिल्कुल वेस्टलैंड थी, बंजर जमीन थी. इट स्टिल इज, वो अब भी है, बट इट्स नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब वो खाली नहीं है. इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मर्ड, वहाँ पर जो घर बने हुए हैं वो कैसे हैं? इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मर्ड, मिट्टी के घर बने हुए हैं, विद रूप्स ऑफ टिन एंड टेरापोलिन, टारपोलिन, और जहाँ पर टारपोलिन जो होता है वो होता है रफ एंड कोर्स वाटरप्रूफ क्लॉथ, तिरपाल जिसे आप बोलते हो, तो वो छत पर लगाया हुआ है. डिवॉइड ऑफ सीवेज मीन्स यहाँ पर कोई सीवेज नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है. डिवॉइड होता है विदाउट, और सीवेज होता है ड्रेनेज सिस्टम फॉर डर्टी वाटर, नालियाँ नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, और रनिंग वाटर या फिर कोई रनिंग वाटर नहीं है. लाइव 10,000 रैक पिकर्स, लिव 10,000 रैक पिकर्स, और यहाँ पर कितने रैक पिकर्स रहते हैं? 10,000. दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, और यहाँ पर ये लोग बिना आइडेंटिटी के 30 साल से भी ज़्यादा समय से रह रहे हैं. विदाउट परमिट्स, बिना किसी परमिशन के, बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, लेकिन राशन कार्ड्स है उनके पास जिसकी वजह से वोटिंग लिस्ट में उनका नाम है. एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, और जिससे कि वो ग्रेन भी, अनाज भी खरीद सकते हैं. इनेबल मीन्स अलाउज, उनको अलाउ कर दिया गया है, क्योंकि राशन कार्ड के थ्रू जो गेहूँ या फिर कुछ भी सीरियल्स कुछ भी मिलता है राशन, वो उन्हें इजीली मिल जाता है. इफ यहाँ पर उसके बाद देखिए, फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, क्योंकि बिना आइडेंटिटी के रहना इजी है लेकिन बिना खाने के रहना इजी नहीं है. इसीलिए कहा है कि आइडेंटिटी से ज्यादा सर्वाइविंग के लिए खाने की जरूरत होती है. इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, We would rather live here than in the fields that gave us no grain. तो उन लोगों का कहना क्या था कि अगर हम दिन के एंड तक हम अपनी फैमिलीज को खाना खिला सकते हैं और बिना पेट दर्द के सो सकते हैं, तो हम इस फील्ड में रहना हमारे लिए ज़्यादा बेटर है, उस फील्ड से ज़्यादा रहना बेटर है जहाँ पर कोई अनाज ही नहीं होता. तो इसीलिए ये जगह उनके लिए बहुत अच्छी है, यहाँ पर उन्हें राशन मिल जाता है, इसीलिए वो यहाँ रह रहे हैं. और ये ऐसा किसने कहा? से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, फटी हुई साड़ियां पहने हुए एक लेडीज का ग्रुप था, उन्होंने ऐसा कहा. व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, और उन लेडीज ने ऐसा क्यों कहा?
क्योंकि अनीस जंग ने उन लेडीज से पूछा था कि तुमने अपनी इतनी ब्यूटीफुल जमीन को, ब्यूटीफुल जगह को, ब्यूटीफुल लैंड को क्यों छोड़ दिया था जहाँ पर ग्रीन फील्ड्स थे और रिवर्स थी। वेर एवर दे फाइंड फूड, जब भी कभी उन्हें खाना मिल जाता है, दे पिच देयर टेंट्स एंड बिकम ट्रांजिट होम्स। वहाँ वो लोग अपना टेंट लगाते हैं और ट्रांजिट होम्स बना लेते हैं। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन दैम, उनके बच्चे भी वहीं बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और सर्वाइवल में उनके पार्टनर्स बनते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में उनका सर्वाइवल का मतलब है रैग पिकिंग। बच्चे कूड़ा कचरा बीनते हैं। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, और काफ़ी सालों से ये जो काम चलता आ रहा है तो ये उनकी एक फाइन आर्ट बन चुका है। गार्बेज टू दैम इज गोल्ड, उनके लिए कचरा गोल्ड की तरह है, क्योंकि वहाँ उन्हें कुछ चीज़ें काम की मिल जाती हैं, कभी उन्हें खाने को कुछ मिल जाता है, कभी उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनकी रोजी रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिर की छत है। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, चाहे वो लीक करने वाली क्यों ना छत हो, लेकिन यही उनकी छत है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ना ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, इवन अ 10 रुपी नोट, साहेब सेज हिज आईज लाइटिंग अप। साहेब के आंखों में एक रोशनी थी जब उसने ये लाइन कही कि मुझे कभी कभी 1 रुपए या 10 रुपए का नोट मिल जाता है कचरे में। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging. अगर आपको भी कभी सिल्वर कॉइन मिल जाता है ना गार्बेज के हीप में, गार्बेज कचरे के ढेर में, तो आप भी उसमें ढूंढना बंद नहीं करोगे। For there is hope of finding more. वो लोग भी ऐसा ही करते हैं, क्योंकि उनके मन में क्या होता है कि वो और ज़्यादा सर्च करने लगते हैं। It's like a game for them. कि वो और ज़्यादा सर्च करने लगते हैं कि हमें और मिल जाए, और मिल जाए, और की होप में वो सर्च करते हैं। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट, और ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज का मीनिंग बिल्कुल अलग है फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। जो मीनिंग उनके पेरेंट्स के लिए है उससे बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग उन बच्चों के लिए है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए ये वर्क जो है रैग पिकिंग वो वंडर में रैप्ड है, मतलब एक सरप्राइज है उनके लिए। फॉर द एल्डर्स इट्स अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन बड़ों की बात करें तो उनके लिए एक सर्वाइवल का मीनिंग है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक विंटर मॉर्निंग मैंने साहेब को नेबरहुड के जो नेबरहुड में क्लब था उसके फेंस्ड गेट पर खड़े हुए देखा। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, वहां पर दो यंग मैन थे जिन्होंने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और वो टेनिस खेल रहे थे, और उनको ही टेनिस खेलते हुए वो देख रहा था। आई लाइक द गेम ही हम्स, वो धीरे से खुद से कहता है कि मुझे ये गेम पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, वो फेंस के पीछे खड़े होकर ही जो देख रहा था गेम, उस गेम को देखने से वो कंटेंट था, सेटिस्फाइड था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड ही एडमिट्स, द गेटकीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और वो क्या कहता है कि मैं अंदर चला जाता अगर यहाँ कोई नहीं होता। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और गेट कीपर जो है वो मुझे स्विंग यूज करने देता, झूला झूलने देता। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, साहेब ने भी टेनिस के शूज पहने हुए थे जो बहुत अजीब से लग रहे थे उसकी डिसकलर्ड शर्ट और शॉर्ट्स पर। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. उसने एक explanatory way में, explanation way में कहा कि किसी ने मुझे ये charity में दिए थे। The fact that they are discarded shoes of some rich boy, और ये सच है कि वो किसी अमीर बच्चे ने discard कर दिए गए थे, किसी अमीर बच्चे ने discard कर दिए थे। क्यों discard किए थे? Who perhaps refused to wear them because of a होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उन दोनों शूज में से एक शूज में एक होल हो गया था जिसकी वजह से उस बच्चे ने पहनने से मना कर दिया था। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन वो होल साहेब को परेशान नहीं करता, उसे कोई किसी चीज की परवाह नहीं थी।
फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फूट इवन शूज विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू. अगर किसी ऐसे बच्चे को जो नंगे पैर घूमता है हमेशा, उसे ऐसे शूज मिल जाए चाहे उसमें होल ही क्यों ना हो, तो ऐसा लगता है मानो उस बच्चे के लिए सपना पूरा हो गया हो. बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच. लेकिन वो गेम जो वो देख रहा था वो तो उसकी रीच से बिल्कुल बाहर था. दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ. इस सुबह साहेब मिल्क बूथ पर जा रहा था. इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर. यहाँ पर जो ये इंसिडेंट दिया हुआ है इसमें ये चीज मैंशन किया है कि साहेब जो है उसने अपनी रैक पैकिंग को छोड़कर कुछ टाइम के लिए एक टी स्टॉल पर काम किया था, वही यहाँ मैंशन किया है. तो सुबह सुबह साहेब जो है मिल्क बूथ पर जाता है. इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर. उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर था. आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस. उसने दूर इशारा करते हुए कहा कि अब मैं टी स्टॉल पर काम करता हूँ वहाँ उस रोड पर. आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स. मुझे महीने के 800 रुपये मिलते हैं और खाना भी मिलता है. डज ही लाइक अ जॉब आई आस्क. तो अनीस जंग ने उससे पूछा क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है. His face, I see, has lost the carefree look. जो carefree look होना चाहिए था उसके face पे वो नहीं था. Means he was, it seemed that he was burdened with this work. He did not like to do any type of work at the tea stall. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly. वो steel canister जो था ना उसके उस plastic bag से बहुत heavy था. जो plastic bag बहुत light था और उसके कंधों पर टका रहता था. The bag was his. Bag सिर्फ उसका था, किसी और का नहीं. लेकिन the canister belongs to the man who owns the tea shop. लेकिन वो canister उस person से belong करता है, उस person का है जो टी शॉप का ऑनर है. साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. साहेब अब अपना मास्टर खुद नहीं रहा. मतलब कि वो अब किसी पर डिपेंड था. वो जो कुछ भी कर रहा था उसके लिए उसको पे भी किया जा रहा था, बट ही वॉज नॉट हैप्पी एक्चुअली. ओके, तो ये स्टोरी जो है इसमें साहेब की स्टोरी कम्प्लीटली आपको मेंशन की गई है कि रैक पिकर्स जो होते हैं वो किस किस प्रॉब्लम का सामना करते हैं, किस किस प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, और इतनी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद ही उनके लिए ये सर्वाइवल पॉसिबल हो पाता है. थैंक यू स्टूडेंट्स, द पार्ट वन इज़ कम्प्लीटेड. अगर आपको इस चैप्टर में पार्ट वन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है प्लीज़ कमेंट. ओके, कमेंट करें एंड आस्क मी द क्वेश्चन. थैंक यू सो मच.